आखिरी ओवर का रोमांच, 6 गेंदों पर चाहिए थे 16 रन, पाकिस्तान अपनी जीत मान चुका था। विराट हार्दिक क्रिस पर थे, सामने नवाज थे और देखने वाले करोड़ों लोग जिनकी धड़कनें बढ़ रही थी। जब 12 पर 31 चाहिए थे तब विराट ने क्या सोचा, कैसे टीम इंडिया को जीत दिला दी। एक एक गेंद का रोमांच आपके सामने रखेंगे। अगर इस मैच को किसी ने आखिरी के 2 ओवर नहीं देखा तो शायद वो आज बहुत कुछ चूक गया। उसे समझ नहीं आएगा कि आखिरकार आखिर में क्या चमत्कार हुआ। 12 गेंदों पर चाहिए थे 31 रन, शायद पाकिस्तान भी ये सोच चुका था कि वो जीत गया। मैदान से पाकिस्तानी समर्थक पाकिस्तान की हौसला अफजाई कर रहे थे, लेकिन जीत की स्क्रिप्ट तो अभी लिखी जानी थी। विराट सोच कर आए थे कि आज जीत की स्क्रिप्ट लिख उस पर साइन करेंगे। उन्होंने तय कर लिया था कि वो छोड़कर नहीं जाएंगे। वैसे भी उनका तो रिकॉर्ड है कि जिस मैच में वो नाबाद रह गए, मानो वो मैच टीम इंडिया जीत कर ही वापस लौटेगी। और आज भी वही हुआ। 2 ओवर में चाहिए थे 31 रन, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या क्रिस पर थे। रऊफ 19वां ओवर करने आए थे जिस वक्त 31 रनों की दरकार थी। उन्होंने शानदार गेंद डाली। हार्दिक पांड्या लंबा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन एक ही रन ले पाए। 19वें ओवर की दूसरी गेंद, विराट कोहली चाहते थे कि एक स्लैप्ट लगाएं, लेकिन यहां भी सिर्फ एक ही रन मिला, यानी अब टेंशन बढ़ चुकी थी। 2 गेंदों पर सिर्फ 2 रन आए। अगली गेंद हार्दिक ने खाली निकाल दी, कोई रन नहीं। उसके बाद 4थी गेंद पर हार्दिक ने 1 रन लिया, यानी 4 गेंदों पर 3 रन और चाहिए थे 31 रन। अब भला कैसे होगा। लेकिन आखिर में 2 छक्के जो ये बता रही है कि 5वीं और 6ठी गेंद पर रफ के 2 छक्के जड़, विराट कोहली ने बता दिया कि मैच अभी गया नहीं, वो हमारे हाथ में है। विराट कोहली ने रऊफ की गेंद पर ऐसा छक्का लगाया कि हर कोई देखता रह गया। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि ये क्या था। उसके बाद आखिरी गेंद थी और उन्होंने रिस्ट की ताकत दिखाई, अपनी कलाइयों की ताकत से लेफ्ट ऑफ फाइन लेग पर ऐसा छक्का जड़ा कि देखने वाले बस देखते रह गए। और यहां पर उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया कि अब तो जीत होकर रहेगी। उसके बाद था आखिरी ओवर जिसमें जीतने के लिए चाहिए थे 16 रन और सामने थे नवाज स्पिनर। पाकिस्तान के पास एक ओवर स्पिनर के रूप में बचा हुआ था जो सिर्फ नवाज को जिम्मेदारी दी गई। बाबर आजम शायद सोच रहे थे कि आसानी से जीत लेंगे, 16 रन बहुत बड़े हैं, लेकिन विराट के सामने तो बड़ी बड़ी चट्टाने ढेर हो जाती है। और कोहली ने आज अपना विराट रूप दिखा दिया, भारी भरकम तरीके से इस मैच को कैसे मुट्ठी में कर लिया ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन झटका तो उस वक्त लगा टीम इंडिया को जब हार्दिक पांड्या पहली गेंद पर नवाज की एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन सीधा गेंद बाबर आजम के हाथों में चली गई। यहां पर विराट को भी झटका लगा लेकिन वो ठिठके नहीं, हटे नहीं, उन्होंने अपना रिदम खोया नहीं। अगली गेंद पर कार्तिक आए, कार्तिक ने 1 रन ले लिया और सीधा स्ट्राइक कोहली को दे दी। उसके बाद विराट कोहली थे और पूरी पाकिस्तानी टीम। वैसे भी आज विराट के सामने कोई गेंदबाज, कोई पाकिस्तान का खिलाड़ी टिक नहीं पा रहा था। तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने एक स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए 2 रन लिए, लेकिन चौके छक्कों की दरकार थी क्योंकि जीतने के लिए 16 रन चाहिए थे। उसके बाद 4थी गेंद जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यह गेंद विराट कोहली ने 6 रनों पर पहुंचा दी लेकिन गेंद उनकी कमर से ऊपर थी, लिहाजा यहां पर अंपायर ने सीधा उसे 9 बॉल दे दिया, जिसको देखकर पाकिस्तान भी हैरान रह गया। वो मैदान पर भी उतर गए, चीटिंग भी करने लगे, बात भी करते दिखाई दिए, लेकिन यहां पर उनकी 1 न चली और गेंद सीधा 7 रन बटोर गई। उसके बाद दबाव अब नवाज पर पूरी तरह से आ चुका था। वो समझ चुके थे कि विराट कोहली अब छोड़ेंगे नहीं, अब वो मैच कर जीत कर ही जाएंगे। ऐसे में नवाज करें भी तो क्या, गेंद तो विराट के सामने ही डालनी थी, लिहाजा वो विराट के सामने गेंद डालना चाहते थे। लेकिन अगली गेंद उन्होंने वाइड डाल दी और यहां भी भारत ने 1 रन बटोर लिया। लेकिन उसके बाद अभी भी फ्री हिट का पूरा मौका था। 4थी गेंद पर नवाज ने गेंद बड़ी तेज डाली जो सीधा विराट कोहली के स्टंप से जा टकराई और गेंद थर्ड मैन दिशा में चली गई, जहां पर विराट और कार्तिक ने भागकर 3 रन पूरे कर लिए। इस तरह से भारत को अब जीतने के लिए 3 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे। अगली गेंद पर कार्तिक एक शॉट लगाना चाहते थे लेकिन वो आउट हो गए और स्टंपिंग होते ही वो वापस चले गए। और यहां से भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा, लेकिन अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ था। 2 गेंदों पर 2 रनों की दरकार, अश्विन के पास मौका लेकिन गेंद नवाज से गलती हो गई। दबाव में ना जाने क्या क्या गलती होती है। नवाज ने इस गेंद को वाइड डाल दिया, जिस तरीके से वाइड डली 1 रन आया और मैच टाई हो गया। अब मानो ये हो चुका था कि अगर भारत 1 रन और ना भी बना पाया तब भी ये मैच टाई होगा और सुपर ओवर की ओर जाएगा।
और अगली गेंद पर अश्विन ने एक शानदार शॉट लगाते हुए मैच में भारत की जीत करा दी और इस तरीके से टीम इंडिया इस मैच को शानदार अंदाज में जीत गई। लेकिन दो ओवर का रोमांच ये बता गया कि पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया कुछ अलग ही होती है। यहां पर टीम इंडिया छोड़ती नहीं बल्कि तोड़ कर रख देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस स्पोर्ट्स।